हेलो दोस्तों, जैसे हमको पता है कि लता जी हमारे बीच में अभी नहीं रहे, तो आज का लेसन उनके लिए छोटा सा ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है उनके लिए। उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, इंडिया के लिए जो भी किया है तो उसका कुछ कंपैरिजन नहीं है। तो फिर भी एक छोटा सा ट्रिब्यूट उनके लिए मैं आज देना चाहता हूँ। तो लग जा गले लता जी का एक आइकॉनिक सॉन्ग है, एक एवरग्रीन सॉन्ग है, तो उसका टैप डांस करेंगे गिटार पे। इसको हम सिंपल तरीके से सीखेंगे, प्लस कैसा वेरिएशन कर सकते हो मैं आपको बता दूंगा। तो इसका रिटर्न टैब्स आपको acoustic.com पे मिल जाएगा। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो गाना आपका है जी मेजर स्केल पे। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम अंतरा पार्ट से। आपका जाएगा लाइक दिस। तो ये काफी सिंपल हो गया। फिर से देखते हैं, टैब्स को फॉलो कीजिए। स्लाइड करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे। तो कैसा हो गया ये पार्ट, फिर से देखते हैं। तो यहां पे आप क्विक स्लाइड भी कर सकते हो, ठीक है ना। देन हल्का सा फिलर ऐड करेंगे, नहीं तो हैमर ऑन पुल ऑफ। नेक्स्ट लाइन पूरा सेम रिपीट करेंगे। नहीं तो आप क्विक स्लाइड कीजिए अगर आपको कंफर्टेबल लग रहा है। देन आपका आएगा फिर आपके नसीब में ये रात होना हो। कैसा जा रहा है, स्लाइड करेंगे पहले। देन तो यहां पे भी वेरिएशन कर सकते हो। देन अगेन हैमर ऑन पुल ऑफ दो बार, देन क्विक स्लाइड, ठीक है ना। देन ये कैसा जा रहा है, थोड़ा स्लाइड्स करेंगे, 3 से 5 7, हल्का सा 8 पे आएंगे, देन अगेन बैक टू 7, ठीक है ना। बस बस आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। अगर आपको ये पार्ट डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा इजी कर लेंगे अभी इसको। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, 3 से लेके 8 स्लाइड कर सकते हो, देन 7 5। ये भी आपका अच्छा लगेगा सुनने में। तो ये जो इजी पार्ट है एक फ्लो में देखते हैं। ये आपका इजी हो गया। एक बार क्विक स्लाइड में देखते हैं इसको। तो आप देखिए आपको कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, आप इसको इजी भी कर सकते हो, नहीं तो अपने हिसाब से इंप्रोवाइज भी कर सकते हो। देन एक फिलर ऐड करेंगे, बस हैमर ऑन पुल ऑफ करेंगे 3 और 5 पे, 2 और 3 ओपन एंड 2, देन सेकंड स्ट्रिंग का 3rd लाइक दिस। देन यहीं से ही ये लॉ का सिंपल पार्ट है। थोड़ा सा वेरिएशन आप यहां पे भी कर सकते हो। कैसा जा रहा है आपका, देन स्लाइड कर लेंगे अप टू 10 बैक टू 7 लाइक दिस, देन हैमर ऑन पुल ऑफ। तो थोड़ा सा ओरिजिनल फील आपको आएगा। तो ये पार्ट देखते हैं फ्लो में। देन आप कहीं से ही अभी क्या करेंगे, रिंग फिंगर ले आएंगे,
तो थोड़ा सा लंबा स्लाइड हो रहा है आपका 3 से लेकर 15 तक। ये वाला सिंपल पार्ट है, इसमें भी थोड़ा सा वेरिएशन आप कर सकते हो लाइक दिस। तो इसमें थोड़ा सा क्विक स्लाइड कर रहे हैं हम 12 से ले सॉरी 13 से लेकर 15 बैक आ जाएंगे 13 पे, या फिर आप 14 पे भी बैक आ सकते हो, आपको क्विकली लेना इतना पता नहीं चलेगा। देन अगेन 17 बैक टू 15, तो आपको पार्ट क्विकली प्ले करना है। तो एक्कोस्टिक में थोड़ा सा फेड हो जाता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गिटार है या फिर आप एम्पलीफायर से कनेक्टेड हो एक्कोस्टिक गिटार में, तो आपको थोड़ा अच्छा सुनाई देगा ये पार्ट। देन अगेन तो ही था इसका टैब्स, आई होप ये आपको हेल्प किया है। तो मैंने ट्राई किया इसको सिंपल रखने का, प्लस आपको मैंने बता दिया कैसे आप इसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो अपने लेवल के हिसाब से। तो चलिए आज का लेसन यहीं पर रखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, वरना इंस्टाग्राम में वहां पर मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, तो इंस्टाग्राम पर एक बार जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं शॉर्ट्स लेसन देता हूँ रील में, आपको काफी हेल्प करेगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।